नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चौहान वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करेंगे 30 जून की बड़ी खबरों के बारे में, जो कि इग्नू से रिलेटेड है, एग्जाम से रिलेटेड है और साथ में ही पढ़ाई से रिलेटेड है, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, ध्यान से देखें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं और इग्नू के स्टूडेंट हैं या इग्नू में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्विटर पर ट्रेंड की। जैसा कि काफ़ी सारे इग्नू स्टूडेंट, ना सिर्फ इग्नू स्टूडेंट बल्कि बाकी सारे स्टूडेंट जो हैं, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी के हों, सीबीएसई बोर्ड के हों, वो सभी लगातार ट्विटर पर ट्रेंड चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि एग्ज़ाम कंडक्ट ना करवाए जाएँ। तो कल एक इसी तरीके का ट्रेंड स्टूडेंट्स की तरफ से चलाया गया और वो वायरल भी हुआ, जो कि ट्विटर पर नंबर वन ट्रेंड बना। हम पहले उसको देख लेते हैं और उसके बाद फिर वहीं आगे बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं ऑल इंडिया ट्रेंड थे, जो पूरे देश में जो ट्रेंड चलते हैं उनमें नंबर टू पे, जब मैंने स्क्रीनशॉट लिया था इसका दिन में, तो उस समय नो एग्ज़ाम इन कोविड नंबर टू पर ट्रेंड कर रहा था ऑल इंडिया में। 252,000 इसमें ट्वीट भी किए जा चुके थे और ये रात भर तक ट्रेंड करता रहा, देर रात तक ये ट्रेंड करता रहा नो एग्ज़ाम्स इन कोविड। तो आप भी इस तरीके के ट्रेंड करवा सकते हैं और साथ में जो ये ट्रेंड वायरल होते हैं और ट्रेंडिंग पे आते हैं तो उन पर आप भी ट्वीट कर सकते हैं। और चाहे वो हमारे वाइस चांसलर जी हैं या फिर इग्नू का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है, उस पर टैग कर सकते हैं। आप भी इसमें अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं ट्विटर पर, लेकिन उसके लिए आपको इस पर अकाउंट बनाना पड़ता है। अकाउंट आप जीमेल के जरिए बना सकते हैं बड़ी आसानी से। तो आप चाहे तो इसमें अकाउंट बनाकर खुद भी इस ट्विटर में इन ट्वीट्स पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपनी समस्या इग्नू को बता सकते हैं, यूजीसी को बता सकते हैं, साथ में एचआरडी मिनिस्टर को बता सकते हैं। तो कल काफ़ी दिनों से ट्रेंड चलवाने की कोशिश हो रही थी और जिनमें से कुछ ट्रेंड चलते भी थे, लेकिन वो 18वें नंबर पर, 19वें नंबर पर, 17वें नंबर पर, यानी कि नीचे के क्रमों में रहते थे, लेकिन कल ये पूरे देश भर में नंबर वन और नंबर टू पर रहा। तो ये काफ़ी सिग्निफिकेंट बात थी। एक बात और भी इसके साथ है कि आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी फैसला आएगा और सीबीएसई बताएगी सुप्रीम कोर्ट को कि उसका आगे क्या प्लानिंग है, एचआरडी मिनिस्टर बताएगी कि उसकी आगे क्या प्लानिंग है। तो ये भी देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें कुछ भी अगर महत्वपूर्ण निकल कर आता है तो उसके ऊपर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। अब आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन के बारे में। तो दूसरी नोटिफिकेशन के बारे में बात करें तो आरसी दिल्ली वन के स्टूडेंट्स के लिए एक स्पेशल इनिशिएटिव किया गया है, उनके लिए मोबाइल नंबर जारी किए गए हैं दिल्ली आरसी वन की तरफ से। दिल्ली आरसी वन काफ़ी लगातार अपडेट दे रहा है, जो कि अच्छी बात है बाकी रीजनल सेंटर्स के मुकाबले, जिन्होंने कई हफ्तों से अपनी अपडेट नहीं की है, चाहे उनका ईमेल आईडी भी एग्जॉस्ट हो चुकी है। तो इन्होंने कुछ गाइडलाइन भी बताई है कि आरसी दिल्ली वन वाले कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कुछ बेसिक डिटेल्स में मांगी जाएंगी, जैसे आपका नाम, इनरोलमेंट नंबर, ये सब आपसे पूछा जाए तो आपको बताना होगा। उसके बाद आप देख सकते हैं 9:30 से 6 बजे के बीच में आप इसमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लंच टाइम रहेगा 1:30 से 2 बजे के बीच में, मंडे से फ्राइडे आप यहाँ पर कॉल कर सकते हैं 9:30 से लेकर 6 बजे तक। ठीक, यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉन्टैक्ट डिटेल ये रही मास्टर डिग्री प्रोग्राम के लिए, बैचलर डिग्री के लिए, जितने भी बच्चे बैचलर डिग्री के होंगे, बैचलर डिग्री का मतलब होता है बीए, बीकॉम, बीएससी, बीटीएस, बीएलआईएस, ठीक है, और मास्टर्स डिग्री में एमए के जितने भी कोर्सेज हैं वो आएंगे, डिप्लोमा और पीजी डिप्लोमा और सर्टिफिकेट लेवल के प्रोग्राम। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पर से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और कॉन्टैक्ट डिटेल हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट नोटिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये गाइडलाइंस है एम ए डी ई के स्टूडेंट्स के लिए, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन डिस्टेंस एजुकेशन, साथ में पी जी डिप्लोमा इन डिस्टेंस एजुकेशन, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डिस्टेंस एजुकेशन पी जी डी डी ई के स्टूडेंट्स के लिए असाइनमेंट सबमिशन के ये गाइडलाइंस हैं। आप इनको देख सकते हैं कि आप जो भी एम ए डी ई के स्टूडेंट्स हैं उनको किस तरीके से अपने असाइनमेंट को सबमिट करना है ऑनलाइन। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पी डी एफ फॉर्मेट में आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पूरी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।